हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीस के दांत, जो दसवां क्लास के हिंदी में पढ़ना है, गोधुली में, उसका पार्ट वन। इससे पहले मैं वीडियो पार्ट वन में डाल चुका हूं, ठीक है, और पार्ट टू लेकर के मैं आया हूं, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए कि सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। हुआ क्या था कि लोग बातचीत करते करते बाहर जो शोरगुल आया था, जिसे पार्ट वन में देखे होइएगा, तो जो अब सेन साहब आया रूम से बाहर अपने, तो जो औरत थी जो बच्चे को पकड़ी हुई थी, वह सहम गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदा हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़ काला कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। एक तरह से वह बात को बढ़ाकर कह रहा है, कुछ झूठ भी है। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओटों को देखकर वह चुप रह गई। मतलब माँ कुछ कह नहीं पाती है, वह चुप रह जाती है, और सेन साहब खामोश रहते हैं तो उनको डर लगने लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे ओठों को देखकर वह चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयम पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। देखिए हुआ क्या था कि वो जो मदन है, जो उनके फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी गिरधर का बेटा है, वह गाड़ी के चमक को छू करके महसूस करना चाह रहा था उसको, कि कितना चिकना है क्या है। इसी बीच में जो उनका सोफर था, जो ड्राइवर है, वह धक्का मार देता है और मदन गिर जाता है, और उसके बाएं घुटना फूट जाता है, जिससे कि खून निकलने लगता है। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेन साहब बड़े लोग हैं, उनका ड्राइवर बड़ा हो गया, और वो किरानी का बेटा है, उसका वैल्यू कम है, तो बड़ा आदमी छोटा आदमी को मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा घटिया समाज का सोच है, कुछ ऐसे लोग सोच रखते हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे सोच रखते हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके सोफर भी दौड़ा। इसी बीच जो बातचीत चल ही रहा था, टेंसा चल ही रहा था, इसी बीच में पीछे मोटर के पीछे जो है कि खटखट की आवाज आया, खटखट, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब फोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। देखिए जस्ट क्या हुआ है कि मदन जब गाड़ी को मात्र छू करके उसे चिकनाहट स्पर्श करना चाह रहा था, तो इनका ड्राइवर ऐसा धक्का मारता है कि गिर करके उसका पैर फूट जाता है, है ना, घुटना फूट जाता है। लेकिन इस थोड़ी देर के बाद जो उनका लड़का है कासू खोखा दोनों एक ही हैं, तो वह जब उनको थोड़ी क्या कहिए, गाड़ी के पीछे के वाले जो लाइट होता है लाल कलर का, उसको कोई चीज से मारा और क्या किया था, उसको तोड़ दिया था। तो सेन साहब उसको जो है कि गोद में लेकर पुचकारते हैं, मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं, और क्या बड़ाई करते हैं। देखिए सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में मतलब उसके जो पाठ पुर्जा होता है उसमें, इसको अभी से इतना दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है ना है क्या। देखिए उस हिसाब फोड़ दिया तो इनको प्यार लग रहा है, इनको समझा लग रहा है कि देखना चाह रहा था, थोड़ा छूता है धक्का मार के पैर टूट गया था। ये असमानता को दिखाता है, असमानता को। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ
बातें इसमें शक ही था। देखिए, आप जब किसी व्यक्ति को कोई बात कहते हैं तो उसको वह पसंद आता है कि नहीं आता है, उनके रंग जो चेहरा का रंग होता है, जो चेहरा का आपके बात कहने के बाद रंग बदलता है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि उसको अच्छा लगा कि या बुरा लगा। लेकिन सेन साहब तो अपने में बस्त है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि दोस्त उनको सुनकर क्या कहता है नहीं कहता है। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ हिचकिचाते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, वहां कुर्सियां लॉन में लगा दो, तब तक हम वहां बैठे है ना बैठते हैं। देखिए क्या हुआ कि जमीन इनका जो मित्र था, इनका नाम है सेन, मिस्टर सिंह, नाम तो कुछ और है, टाइटल से यहाँ लिखा हुआ है सिंह, वह नमस्कार करके कार में बैठने के लिए जाते हैं। इसी बीच में देखते हैं क्या कि उनके कार का जो है कि चक्का का हवा निकला हुआ है। यह देखकर वह सहम जाते हैं। तो इसी बीच में आते हैं वह सेन साहब और कहते हैं कि शायद कासू इधर आया हुआ था, खोखा, हो सकता है कि वह हवा निकाल दिया हो। और ड्राइवर को बुलाते हैं कि हवा भर दो और थोड़ा लॉन में जहाँ बैठने की जगह है वहां पर कुर्सी लगा दो, हम बैठेंगे वहीं पर तब तक। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर मतलब ड्राइवर, ठीक है, वह क्या बताया कि आगे का भी एक निकला हुआ है, अगर एक पीछे का भी चक्का का हवा निकला हुआ है। आगे है मुखर्जी, देखिए मुखर्जी को यहाँ मुखर्जी लिखा हुआ, मुखर्जी होना चाहिए। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्के से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही साथ कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था, उनका जो है अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। देखिए, है वह बदमाशी कर रहा, लेकिन यही कभी कभी होता है कि लोगों को सच्चाई दिखता नहीं है, और सच्चाई यही है कि उनको सच्चाई दिख नहीं रहा है। और क्या होता है कि वह कह देते हैं कि जो खोखा है वह हवा निकालने की फितरत जान लिया है, तरकीब जान लिया है, तो बार बार उसको प्रैक्टिस में रखता है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हुआ। इसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो गिरधर को बुलाने का हुक्म गया, गिरधर आया और ऐसे सर जो है खड़ा हो गया जैसे कि खून के जुर्म में जज के सामने कैदी खड़ा होता है। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, मतलब बोल रहा है धीरे धीरे, लेकिन आवाज में कोई प्रेम दिख नहीं रहा है, बेलौस है बिल्कुल, उसमें लस नहीं है। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत सोख हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, सेन साहब का भाषण जारी था, उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे उसकी हालत
क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। अब वह सर झुकाए खड़ा हो जाता है गिरधर लाल, ये अपना भाषण शुरू कर देते हैं और बड़े डांटते हैं उसको और कहते हैं एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। जो मदन है जो बड़ों का इज्जत नहीं करता है, वैसे ही लोग जो है कि बच्चे आगे चलकर क्या बनते हैं, गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। कौन कहता है? सेन साहब की लाइन है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सेनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ जुझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। देखिए एक मुहावरा है यहाँ पर अंग्रेजी का जो कहते हैं सेन साहब, अंत हो जाता है ठीक हो जाता है, है ना? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कि रात के समय जब गिरधर मदन एक साथ मिलता है, मीन्स बाप बेटा, तो उसको मार इतना लगता है किसको, मदन को, कि उसका चित्कार मतलब जो रोता है वह आवाज सेन साहब जहाँ सो रहे हैं वहां तक आती है। तो मदन यह अंदर अंदर प्रसन्न होते हैं और यह कहते हैं कि मदन का जो पिताजी है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी माँ ने उसको बिगाड़ दिया है। माता सेन की नींद उचट गई, मतलब नींद उड़ गया, जल्दी आ नहीं रहा था। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतार दी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिख मंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। देखिए अब वो चूंकि क्या नाम है, मदन के चिल्लाहट वहां पर आ रही है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो उनके पति है वो बड़ा बकबक कर रहे हैं, वो भी उनकी पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह मदन पर ही अपना गुस्सा उतारती है, उन पर अपने पति कुछ नहीं कह पाती है और कहती है कौवे की तरह चिल्ला रहा है। मदन का कातर रुदन रुक गया था, खैरियत थी उसकी सिसकियां सेनों के सेनगार तक नहीं पहुंच रह सकती थी, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। देखिए अब एक दिन की तब बात यह है, दूसरा दिन क्या हुआ कि जो खोखा है वह खेलते खेलते पहुंच गया जहां पर मदन खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था वहां पर। अब क्या हुआ, वहां पर मदन भी है और आस पड़ोस के और भी गरीब बच्चे हैं। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, मतलब खोखा जब लट्टू नचाते हुए देखा अच्छी तरह से तो उसका भी तबीयत हुआ कि हम भी कौन सी कर लट्टू नचाए। हंस कौ की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। हंस यहाँ पर कहा गया है खोखा को, ठीक है, और कौवा कहा गया है गरीब बच्चों और मदन को। तो क्या कहा जाए कि हंस कौ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह हंस जो है कि संपन्न परिवार का प्रतीक है और कौवे जो है कि निम्न परिवार के प्रतीक हैं। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। देखिए मदन और कौन, खोखा, ये दोनों पैसे भी नहीं बन रहा है और थोड़ा सा रोब से बोलता है मदन को, कौन, खोखा, कि हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहां से, बराया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाप की मोटर पर बैठ। ठीक है, चूंकि एक दिन पहले ही मदन उसके ड्राइवर से मार खाया था, उसका पैर छिला गया था, तो इससे वह थोड़ा सा गुस्सा है और चूंकि वह रोप से मांगता है इसलिए दोनों में
लट्टू नहीं देता है और कहता है मदन कि जा अपने बाप के कंधे पर था मोटर पर जाकर बैठो। कासू तैस में आ गया, तैस में मतलब गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता था और क्या मजाल की उसे कोई कुछ कर दे मतलब कुछ कह दे, मतलब अपने छोटे उम्र में ही अपने बहनों को और अपने घर में काम करने वाले लोगों को जो है कि पीट, ठीक है, गुस्सा में आया और एक फैट जो है कि ये गुस्सा लगा दिया मदन को। मदन छोड़ने वाला, देखिए चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। अहाते में लड़ाई हुई होती तो कासू शेर हो जाता, ठीक है। वहां से तो एक मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्वाभाविक बात बताया गया समाज के लोगों का कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लोग वह अमीरों के डर से उन्हीं का साथ देते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अक्सर महल वाले और झोपड़े वाले की लड़ाई में महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी उसी हालत में जीतते हैं जब दूसरी झोपड़ी वाले उसकी मदद करने की मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने ना तो अपने दुर्दमयी लीडर की मदद की ना अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। लेकिन बच्चों में उतना अमीरी गरीबी नहीं रहता है ना, उसमें अपनापन होता है, वह निश्चल होता है। तो वह दोनों में से किसी का मदद नहीं किया और तनखा देर में ही जो है कि पीट पाट के भगा दिया इसको, खोखवा भाग गया और ये लोग भी उधर तितर बितर हो गया कि हमारे पिताजी हमको पीटेंगे। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डर था तो यह कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय ही क्या था, वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इम्तिनान के साथ मतलब आराम से भर पेट खाना खाया और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने। फिर यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना, ठीक है। यानी कि उसके पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया है खोखा जो दोनों में मारपीट हुआ था मदन के उसके कारण, ठीक है। और कहा गया है कि कल आ करके अपना ऑफिस से ले लेना अपना तनख्वाह और घर खाली कर देना। आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस जाकर के ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ आगे देखिए। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। वह धीरे धीरे चरपाई मतलब खटिया की ओर निकलने लगा, जाकर वापस हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच में उसका पैर जो है कि लग गया, कौन सी पर लग गया, और लोटा में लोटा बज गया टन 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 टन। लोटे की टन टन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से दबाकर है ना खड़ा हो गया है ना। जब देखा कि टन टन बजने लगा तो मदन के जो अम्मा भी उसके साथ थी है ना, और गिरधर भी बाहर निकले है ना, और मदन को लगा कि अब मेरे पिताजी हमको पीटेंगे, तो अपने हाथ को दोनों हाथों से बांध करके छाती को दोनों हाथों से पकड़ करके खड़ा हो गया कि पिताजी पीटेंगे। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत ही पीटने पर रोता भी था मगर बहादुरी के साथ। गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा।
मदन ने अपने दांत भींच लिए मतलब जा लिया कि अब मार खाने ही वाले हैं। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिटक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता की को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह से प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। तो इस तरह से वह खुश हो गया क्योंकि उसके पिताजी उसके यहाँ काम करते थे, लेकिन बहुत सारे अपमान उनको झेलना पड़ता था और वह विरोध नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो उस विरोध को झेलते हुए वह काम कर रहे थे। फिर जब वह अपने बेटे के कारण निकाले जाते हैं तो वह खुश हो जाते हैं कि तुम हो जो जुर्म बर्दाश्त नहीं करते हो और किसी भी तरह जो है कि अपनी मुक्ति पा लिया, इससे हम प्रसन्न हैं, वह खूब प्रसन्न है। तो इस तरह से चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लेकर के आएंगे। ठीक है, उसके लिए आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।